उत्तर प्रदेश को नए 32वें इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के रूप में नई सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली है और नए स्टेडियम के निर्माण को लेकर हरी झंडी दे दी है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वाराणसी के गजारी में क्षेत्र में जाकर उस जगह का निरीक्षण किया है जहाँ पर स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। इसको लेकर मिली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई ने स्टेडियम निर्माण को लेकर हरी झंडी दे दी है और आने वाले कुछ दिनों में स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। वाराणसी के गजारी में नए क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण को लेकर बीसीसीआई ने जय शाह और राजीव शुक्ला के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ एक औपचारिक मीटिंग की है। गौरतलब है कि नए स्टेडियम के निर्माण के लिए बोर्ड ने 300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि राज्य ने जमीन खरीदने के लिए 120 करोड़ रुपए 31 एकड़ जमीन खरीदने के लिए किसानों को मुआवजा देने के लिए दिए हैं। बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक कोट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कहा, युद्धवीर सिंह और उदय सिन्हा सहित यूपीसीए के पदाधिकारियों की मौजूदगी में राजीव शुक्ला और जय शाह ने उस जगह का निरीक्षण किया जहां यूपी सरकार द्वारा जारी 120 करोड़ रुपए के फंड से किसानों से 31 एकड़ जमीन पहले ही खरीदी जा चुकी है। बीसीसीआई और यूपीसीए अधिकारी गंजरी क्षेत्र में उस जमीन से संतुष्ट थे जहां पर स्टेडियम का निर्माण कार्य होगा। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार द्वारा 30 साल के पट्टे पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जमीन दी जाएगी जिसे भविष्य में 90 साल के लिए और पट्टे पर बढ़ाया जा सकता है।